अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम डॉक्टर महा और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज दूंगी ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ एक नॉर्मल पर्सन को भी इसके बारे में नॉलेज होना लाजमी है। सबसे पहले तो हम ब्लड प्रेशर पर आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड का जो प्रेशर हमारी ब्लड वेसल पे पड़ता है, मतलब उसकी वॉल पे पड़ता है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। सिंपल, ब्लड और प्रेशर, खून का दबाव जो हमारी नालियों पे पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इतना समझ आ गया होगा। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक जब हमारा हार्ट रिलैक्स मोड में होता है उसको हम कहते हैं नीचे का ब्लड प्रेशर। अब हम आ जाते हैं इसकी रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज जो इसकी होती है वो होती है 120 to 80, नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल मानी जाती है, और 130 to 85 नॉर्मल में आएगा, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है। 140 to 90 हाई ब्लड प्रेशर में आएगा। अगर आपका किसी का भी 140 to 90 आएगा तो हम उसको कहेंगे आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। उसके बाद 150 to 95 वेरी हाई होता है, यानी बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इतना समझ आ गया। आप एक चार्ट के ज़रिए इसको समझ लेते हैं। 120 to 80 नॉर्मल होता है, 130 to 85 नॉर्मल में आएगा यानी कंट्रोल में है, 140 to 90 हाई ब्लड प्रेशर में आएगा, 150 to 95 वेरी हाई ब्लड प्रेशर में आएगा यानी एमरजेंसी कंडीशन में आएगा। उम्मीद है आपको ब्लड प्रेशर की रेंज, नॉर्मल, हाई सब समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा तो आपको कभी ब्लड प्रेशर की रेंज में मसला नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।